गोली लगने के 3 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए बॉलीवुड एक्टर गोविंदा। व्हीलचेयर पर बैठे, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट, हाथ जोड़ते और तमाम चाहने वालों का आभार जताते हुए गोविंदा पत्नी सुनीता, बेटी टीना और अपने परिवार के सदस्यों के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकले। भगवान का आशीर्वाद कहिए या परिवार की मन्नतों का असर, आज गोविंदा सही सलामत अपने घर वापस जा रहे हैं। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से मिसफायर होने के बाद गोविंदा की जान इस हादसे में बाल बाल बची थी। गोली गोविंदा के बाएं पैर में घुटने से 2 इंच नीचे जा धसी थी, जिसे क्रिटी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम ने 1 घंटे तक सर्जरी कर निकाला था। गोली हादसे के बाद लगभग 3 दिन तक गोविंदा अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन आज फाइनली गोविंदा अपने घर पहुंच गए हैं। एक्टर की पत्नी सुनीता सुबह सवेरे ही पति को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई थी, तो व्हीलचेयर पर बैठ गोविंदा बीवी सुनीता के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकले। हालांकि घर रवाना होने से पहले गोविंदा ने मीडिया से भी बातचीत की, अपनी हेल्थ अपडेट दी, साथ ही अपने लाखों करोड़ों फैंस का शुक्रिया भी अदा किया। अरदास की गई, प्रेयर्स हुए, मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, प्रेस का धन्यवाद देता हूँ और प्रशासन से जुड़े हुए पुलिस वर्ग का धन्यवाद देता हूँ। मैं राज्य से जुड़े हुए आदरणीय शिंदे साहब का धन्यवाद देता हूँ, हर वो व्यक्ति विशेष जितने भी हैं, जहाँ जहाँ बड़े बुजुर्ग सब लोगों का, और खासतौर पर वो लोग जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, आप लोग का कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। जय माता की। नवरात्रि के शुभ मौके पर गोविंदा का घर आना उनके परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, तो पत्नी सुनीता भी गोविंदा के सही सलामत घर आने से बेहद खुश हैं। अरे सांप बच गए, इससे सबसे बड़ी खुशी और क्या है। और नवरात्र के बीच में ही जा रहे हैं ना घर, इससे बड़ा खुशी क्या मिलेगा बताइए। जहां एक तरफ गोविंदा के घर पर एक्टर के जल्द से जल्द ठीक होने को लेकर पूजा पाठ का दौर जारी है, तो वहीं सुनीता आहूजा ने जानकारी दी कि गोविंदा को अभी पूरी तरह से ठीक होकर अपने पैरों पर खड़े होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त लगेगा। डॉक्टर्स ने गोविंदा को 6 हफ्ते तक बेड रेस्ट की हिदायत दी है। यहाँ से उनको घर लेके जाएंगे, घर में भी डॉक्टर ने बोला है 6 हफ्ता बेड रेस्ट रहना है उनको, तो हम ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन लगने का डर है उनको, तो उनको अभी आराम करना है। इतना साल नाचेगा है ना, तो थोड़ा आराम करना भी ज़रूरी है। घर पे सिवाय पूजा पाठ के कुछ नहीं चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, वहाँ पे भी पूजा प्रार्थना चल रहा है, मैं भी घर से पूजा करके ही आई हूँ। इससे पहले गोविंदा के डॉक्टर ने भी मीडिया से बातचीत की थी और एक्टर की हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि एक्टर्स को कुछ हफ्तों के लिए स्ट्रिक्ट डाइट के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी करवानी पड़ेगी। 3 से 4 हफ्ते वो घर में आराम करेंगे, उनकी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज चलेगी और वो उनकी तबीयत काफी ठीक है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर की सुबह 4:45 बजे गोविंदा अपने घर पर हादसे का शिकार हो गए थे। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को साफ कर लॉकर में रखने के दौरान एक्टर के हाथों से उनकी रिवॉल्वर फिसल गई थी, जिसके चलते एक्टर के पैर में घुटने से 2 इंच नीचे गोली लग गई थी। जिस वक्त गोविंदा के साथ ये हादसा हुआ, एक्टर की पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी, तो वहीं गोविंदा सुबह सवेरे कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनके साथ ये हादसा हो गया था। गोविंदा को आनन फानन में उनके भाई कीर्ति कुमार ने जुहू स्थित क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।